आज जो हम आपको एक्सरसाइज बताने जा रहे हैं वो है सिक्स पैक एब्स की एक्सरसाइज, और ये एक्सरसाइज है ओब्लिक्स की एक्सरसाइज है, साइड्स की एक्सरसाइज है, लव हैंडल कह रहे हैं आप इसे। और हम बहुत सिंपल तरीके से बताएंगे आपको ताकि आप इजीली आराम से परफॉर्म इसको कर सकें। और एक्सरसाइज का नाम है फ्लूटर किक ओब्लिक क्रंच स्क्वाट सिक्स पैक एब्स। आपको नाम से आइडिया हो गया होगा कि किस टाइप की एक्सरसाइज है। अभी हम यहाँ पर आपको बहुत ही इजी तरीके से इसको परफॉर्म कर दिखाएंगे और आप बिल्कुल आराम से इसको अपने घर पे कर सकते हैं। और बहुत हम कोशिश करेंगे सिंपल तरीके से आपको समझा सके ताकि आपकी समझ में आ सके। एक्सरसाइज आज की थोड़ी ज़रा हार्ड है, डिफरेंट है, लेकिन जो है ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है। आप करेंगे तो आपको रिजल्ट बहुत जल्दी इसके नुमाया होंगे। थोड़ी हार्ड है लेकिन ये नहीं कि आप बिल्कुल ही हार्ड से मुराद कि आप इसको करना ही छोड़ दें या ट्राई ना करें। आप इसे ट्राई करें और इजीली आप जब प्रैक्टिस में आएंगे आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आपकी इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप बहुत अच्छी तरीके से इसको घर पे कर सकेंगे। और इसके लिए भी हम ज़्यादा चीज़ें ऐसी यूज़ नहीं करेंगे, और जो घर में होती हैं आपके मतलब घर से मुराद ये है कि सिंपल तरीके से आप समझें कुछ ना होने के बराबर, और आप बिल्कुल सिंपल तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं हम आपको अपना फ्लोर दिखा रहे हैं, इस पर हम परफॉर्म करेंगे एक्सरसाइज ताकि आप इजीली आराम से घर पे कर सकें। और अगर आपकी बैक में पेन है या ऐसा कोई इशू है बैक वगैरह का, तो आप मैट बिछा लें, कारपेट या एक्सरसाइज के मैट होते हैं वो बिछा कर परफॉर्म कर सकते हैं। तो आइए हम आपको करके बताते हैं किस तरह होगी और इसके तरीकेकार क्या है। और बहुत ही इफेक्टिव एक्सरसाइज है और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आता है, और थोड़ी हार्ड है लेकिन इसका रिज़ल्ट बहुत अच्छा आता है। तो हम आपको बताते हैं किस तरह होगी। ये देखें, ये आपने पोजीशन सेट कर ली और आराम से आप लेट गए। ये देखें, आप हाथ अपने रखें सर की तरफ और ये वाली चीज़ आप उठाएंगे इस तरफ जाएगी पोजीशन में, ये वाली चीज़ जब उठाएंगे आप इस तरफ जाएगी। पहले हम आपको करके बताते हैं और फिर हम इसके आपको रेफ बताएंगे आप किस तरह से रेफ काउंट वगैरह कैसे करेंगे। ऐसे होगी, ये देखें, जब ये इस तरफ आएंगे तो आप पूरी पोजीशन जोर लगा के फोर्स बॉडी का इस तरफ करेंगे, और जब आप इस तरफ जाएंगे तो इस तरफ, और टांगों की पोजीशन ये चीज़ होगी, ये चीज़ टांगे ऊपर की तरफ होगी, जैसे कि हम आपको दिखा रहे हैं टांगे यूँ होंगी, टांगे जब इस तरफ जाएंगे तो ये, इस तरफ जाएंगे तो ये। तो ये है एक्सरसाइज, और हम आपको काउंट करके बताएंगे कि आप इसको किस तरह करेंगे और इसके रेप्स वगैरह कैसे काउंट करेंगे। तो इस तरह आप परफॉर्म करेंगे इसको लाइक दिस। जैसे एग्जाम्पल तौर पर हम आपको बता दें, देखिए 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह आप इसके सेट वगैरह करेंगे। पोजीशन हम आपको एक बार फिर बताते हैं, जब आप इस तरफ की टांग उठाएंगे तो पोजीशन इस तरफ ही होगी, और इस तरफ की जब उठाएंगे तो यूँ होगी। और आपको अपना सारा जोर जो है साइड्स पे देना है, ताकि जो मेन एक्सरसाइज साइड्स के हैं आप लव हैंडल ऑब्लिक्स वगैरह की ही है, और फ्लूटर किक्स ऑब्लिक्स क्रंचेस फॉर सिक्स पैक एब्स एक्सरसाइज है। ये बहुत इफेक्टिव एक्सरसाइज है, थोड़ी हार्ड है लेकिन आप इसको प्रैक्टिस वगैरह करेंगे तो आपकी प्रैक्टिस में आ जाएगी और आप इजीली बहुत आराम से इसको घर पर कर सकेंगे। इसके लिए जैसे कि हमने बताया आपको कुछ खास चीज़ की ज़रूरत भी नहीं है, आप अपने फ्लोर पे या कारपेट आप किसी भी चीज़ पे इसको आराम से कर सकते हैं और इसका रिज़ल्ट बहुत जल्दी आएगा। बनिस्बत ये कि आप कोई महंगी मशीन या महंगे जिम या कुछ ऐसी चीज़ें वगैरह यूज़ करें, उससे बेहतर है कि आप सिंपल तरीके से यूज़ करें, और इसका रिज़ल्ट थोड़ा लेट ज़रूर होगा लेकिन बहुत इफेक्टिव होगा और बहुत ज़बरदस्त किस्म का रिज़ल्ट होगा। और जो है आप जब इसको सही तरीके से परफॉर्म करेंगे, इसी टेक्निक के साथ करेंगे, तो रिज़ल्ट जल्दी आएगा। और अपनी डाइट वगैरह के हिसाब से इसके अकॉर्डिंग आप इसको एक्सरसाइज को सेट कर सकते हैं, कितने रैप्स वगैरह करने हैं आपको सेट करने तो आपके ऊपर है। और एक्सरसाइज जैसे हमने बताई आप करें, आपको बहुत इसका फ़र्क महसूस होगा और बहुत ही ज़बरदस्त किस्म की एक एक्सरसाइज थी।